हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी न्यू वीडियो में हम डाई का 3.3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर को टियर डाउन करेंगे। तो चलो मैं दिखा दूँगा आपको वीडियो में। सबसे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ये इसका सीरियल नंबर है, ये 3.3 किलोवाट, और मैक्सिमम डीसी इनपुट इस पर 3.9 किलोवाट दे सकते हैं। एमपीपीटी वोल्टेज है 72 450 वोल्ट डीसी, ये देख सकते हो आप। क्लास वन प्रोटेक्शन लेवल है इसमें। ये कुछ नीचे की और इसकी सेफ्टी वार्निंग्स, और इसके अंदर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसका मेन डिस्प्ले है, इसमें पैनासोनिक सीआर सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट्स का, और ये इसके कुछ चिप्स, ये इसका माइक्रो प्रोसेसर, और यहाँ पर इसके डोंगल लग जाती है जिसके साथ हम वाईफाई के साथ इसको कम्युनिकेट करते थे। ये इसकी आउटपुट केबल, इसकी सोलर इनपुट केबल, और ये देख सकते हो आप तीन बड़े कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इसके साथ, और ये इसकी मेन चिप देख सकते हैं। एक इन्वर्टर के अंदर इतना कुछ ही होता है 3.3 किलोवाट का है। ये इसकी बस हीट सिंक के साथ डायरेक्टली इन्होंने स्क्रू किए हुए हैं, और ये वाटर प्रूफ ग्लू लगी हुई है ब्लैक कलर की, जिसके कारण ये वाटर बिल्कुल ही अंदर नहीं आएगा, ये देख सकते हो। ये वायर्स कनेक्ट की हुई हैं, और ये कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, माइक्रोचिप्स लगी हुई हैं, मिनी कैपेसिटर्स और तीन बड़े कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इसके साथ, और इस साइड भी कुछ तीन छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक मिनी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ये इसका बोर्ड है, आप देख पाओगे। बस डायरेक्टली ये इसका ऐसे कभी, और ये क्लोज हो जाता है, बस देख सकते हो क्या डाई का है 3.3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। ये इसकी स्विच है, स्विच की और कुछ नहीं है, अंदर की साइड कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है। इसके सोलर पावर कनेक्टर, RS485 कनेक्टर, इसका कम्युनिकेशन वाला, और ये ग्रिड की पावर के लिए। और पीछे की ओर बस एक हीट सिंक डायरेक्टली लगाई हुई है इन्होंने, काफी बड़ी हीट सिंक है, और कुछ नहीं है इसके साथ। तो अभी हम इसको स्क्रू कर देते हैं, लगा देते हैं। ये एक सील लगी हुई थी जिस पर लिखा वारंटी सील लगी हुई थी, और अभी मैं फ्यूचर में देख पाऊंगा अगर क्लेम कर सकता हूँ वारंटी और नहीं।
इसमें टोटल 8 स्क्रूस लगे हुए थे जो हमने लगा दिए हैं अभी, ये लास्ट स्क्रू के। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको यूज़ करके दिखाऊंगा आपको कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। आप देख सकते होंगे ये इसका ऐसे दिखता है, ये इसका वाईफाई डोंगल वाला, ये भी ओपन ऐसे हो जाता है एंटीना। और साइड की ओर में रीसेट बटन है, इसमें 485 कनेक्टर भी लगा सकते हैं। ये चाइना का प्रोडक्ट है पर इंडिया में ये मिल जाता है। ये क्वालिफाइड प्रोडक्ट है इंडियन अप्रूवल के साथ।